अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अलिशबा का यूट्यूब चैनल है, तो सबा यहाँ पर क्या कर रही है। तो आज है 9 जून और अलिशबा गई हुई है शूट पर। 12 बजे के बाद उसकी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। आगे वाली की लिस्ट में देखेंगे, हमने रूम भी डेकोर करवाया, सब कुछ करवा लिया, बस वो आएगी। हम वेट करें कि कब वो आएगी, कब हम उसको सरप्राइज देंगे। एंड भाई इसी तरह सरप्राइज देते हैं अलिशबा के रिएक्शन देखने के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई आएगी। आप लोगों को पता है शूट वगैरह पर बहुत टाइम लगता है और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। आपको बता दिया अलिशबा पे शूट पर गई है और हम उनको सरप्राइज दे रहे हैं। सर का व्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो जितनी भी डेकोरेशन होती है मैं आपको आके दिखाता जाता हूँ। तो अभी आधे से ज्यादा बलून फुल गए, डेकोरेशन स्टार्ट कर दिए। भाई कोई भी मदद चाहिए मुझे बता दीजिएगा, सही है? डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, बस हैप्पी बर्थडे लगाना रहता है। जितनी भी डेकोरेशन है ये मैंने और बासिल ने मिलकर करी है। केक आ चुका है, केक पे पिक्चर बनी हुई अलिशबा और बासिल की, और केक पर लिखा हैप्पी बर्थडे खाला, क्योंकि ये केक है बासिल की तरफ से। डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अंकल चले गए, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे की जगह नहीं थी तो हमने इधर लगा दिया। हैप्पी बर्थडे इधर लगा दिया और इसके साथ ही नीचे 19 लगा दिया, क्योंकि अलिशबा भी हो गई है 19 इयर्स की। बासिल ये मुझे दे दो। मैंने और बासिल ने सारी डेकोरेशन कर दी है, यही पूछने वाली थी। सारी डेकोरेशन डन हो गई है, हम दोनों ने कर दिया था। हाँ पर 12 बजने में 2 मिनट रह गए। अलिशबा कब से शूट से आ गई है, हमने उससे बोला कि इस कमरे में नहीं आना, अब हम उसको उस कमरे में लेकर आते हैं और उसकी रिएक्शन देखते हैं, केक कट करते हैं। सब आप ही गई है, अभी अलिशबा को उस कमरे से लेना, अभी ये लोग आते हैं, इनके रिएक्शन देखते हैं। मेरी पिक्चर लगी हुई, इसलिए हम दोनों केक कट करेंगे साथ। चले मासी बलून छोड़ दें आप। मेरे लिए लाई चॉकलेट्स गिफ्ट में, बाकी किसी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं, मैं दूंगी कल। मैंने मेरे लिए केक भी मंगाया, डेकोरेशन भी कराई, तो थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे और मेरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, सबा ने कहा है कि आज पूरा दिन मैं तुम लोग को घुमाऊंगी मेरी बर्थडे की खुशी में। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं सभा में कहा लेकर जा रही है। हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं, सबको इतना घुमाऊंगी आज, तुम्हें ये बर्थडे हमेशा याद रहे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे साथ जा कौन कौन रहा है। हमारे साथ कैमरा शायद भी हैं, तो इसलिए वो नहीं आएंगे, जैसे मेरी मम्मा कैमरे में नहीं आती हैं। सो तो जो आएंगे वो देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो सबा जो सबको लेके जा रही है, और ये मेरी नानो, अस्सलाम वालेकुम नानो। नानो हमारे साथ जा रही है, पीछे अनस, माइल, शबाज, अपना फेस दिखाओ, जोया और बासिल बहुत खुश है। हमने सबके लिए टिकट ले ली और सब उधर खड़े हैं। बासिल बासिल नहीं डरता किसी से भी। हम लोग आ गए हैं एडवेंचर लैंड। सबा मेरी बर्थडे पे मुझे एडवेंचर लैंड लेके आई कि सारे मिलके झूले वगैरह झूलेंगे, और आते के साथ ही बासिल तो सो गया। अपनी मम्मा बासिल को लेके वहाँ बैठ गई है, क्योंकि बासिल सो रहा है। और अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी राइड लेनी है। सबा, अना, शहबाज ये सारे जा रहे हैं सबसे हार्ड राइड लेने के लिए। मैं तो नहीं जा रही, सब लोग जा रहे हैं फर्स्ट राइड लेने के लिए जो सबसे हार्ड है। जोया आप नहीं जाओ, मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम लोग लेके आगे फिर जाऊंगी। पहली बहुत इजी थी माइल के साथ, भी मुझे डर लग रहा है लेकिन मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। भाई शबाज मरने जा रहे, जब तक ये लोग बैठेंगे शबाज वहाँ पर ऊपर रहेगा। गया शबाज, गया हार्ड राइड। खतरों के खिलाड़ी बनना में बचपन से आता है, मुझे भी जाना है खतरों के खिलाड़ी में, इस वाले में नहीं, रियल वाले में, रियल वाले में। सब चले गए फर्स्ट राइड लेने के लिए, माइल यहीं पे है क्योंकि माइल नहीं गया, और बाकी अब मैं वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं ये वाली राइड में नहीं गई। मैंने पहले तुम लोग होके आओ, फिर मैं जाऊंगी अगर मुझे सही लगा तो, देखते हैं अभी। बाय बाय। अनस की चीखें निकल रही है। बस कैसा लग रहा था ऊपर? थोड़ा
थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा। बंद कर दी थी। अभी शहबाज लोग उतरे हैं लेकिन सबा लोग अभी तक ऊपर ही हैं। अभी ये लोग नीचे आते हैं तो इनको देखते हैं क्या रिएक्शन है इन लोगों के। बहुत इजी और बहुत मजेगा, मैं दोबारा आऊंगा। अरे झूठ मत बोलो, सबा से पूछता है सबा। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी राइड लेने के लिए और वो राइड में भी ले रही है इन लोग के साथ। हम लोग जा रहे हैं सेकंड राइड लेने के लिए और इसमें मैं भी हूँ। रोलर कोस्टर पहली राइड तो मैंने नहीं ली, पहली राइड अच्छी थी। डरपोक नहीं, बस मैंने कहा अभी पहली राइड है तो हम लोग लो में देख। चलो अभी रोलर कोस्टर, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे अलादीन वाली राइड। हमारे पीछे रोलर कोस्टर स्टार्ट हो गई है। आप ही लोग सबसे फ्रंट में बैठे, हमारे लिए जगह ही नहीं थी, हमें सबसे लास्ट में बिठाया है। हम लोगों ने तीन चार राइड्स ले ली है इसलिए हम लोग अभी थक गए और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम लोग और राइड्स लेंगे और बासिल भी उड़ गया है तो चलते हैं कुछ खाते हैं। हमारा ऑर्डर आ गया तो पहले खाते हैं उसके बाद चलते हैं राइड्स करवाते हैं। खाना हम लोगों ने खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं वापस राइड्स की तरफ। अब कौन सी राइड लेनी है? ये वाली, सब एक एक ले लिए जो बची है। चलो लेते हैं, बासिल को मम्मा को दे दें फिर चलते हैं। डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे। हम सब तो बैठ गए लेकिन अभी फुल होने का वेट हो रहा है। हम लोगों ने ये वाली राइड ले ली है और वैसे तो मुझे हाइट से डर लगता है। जब राइड ऊपर जा रही थी तो बहुत स्लो स्लो ऊपर जा रही थी, अचानक से स्पीड में नीचे आ गई तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। मैं और सबा बहुत थक गए इसलिए हम लोग आकर बैठ गए और अभी अनस, जोया, शहबाज और माइल गए हुए हैं और राइड्स लेने के लिए। बस वो लोग आते हैं तो हम लोग बस फिर जाएंगे घर। सो इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। सबा थैंक यू कि तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया। रात में मैं शूट से आई थी, मुझे लगा था इन लोगों ने सिर्फ केक वेक लाए होंगे और कट करेंगे, पर इसमें सबा ने पूरा डेकोर करवाया। सो थैंक यू। बर्थडे तो यही होती है कि बंदा पूरी फैमिली के साथ जाए, इन्जॉय करे। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बहुत सारा विश करना है, सब ने मुझे कॉमेंट्स में विश करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सो बाय बाय।